गाइज, अगर आप अपने किसी भी विंडोज़ में आप किसी भी सेटअप फाइल को आप यहाँ पे ओपन करते हो और आपके सामने कुछ इस तरह का एरर शो होता है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम शो होता है, द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैज सेट पॉलिसीज टू प्रिवेंट दिस इंस्टॉलेशन, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है मैं आपको आगे बहुत ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है gpedit.msc। आपको इसे टाइप करना है और यहाँ पे आपको gpedit.msc का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। और कभी कभार किन्हीं किन्हीं केसेस में क्या होता है, किन्हीं किन्हीं लोगों के विंडोज़ में क्या होता है कि आपको यहाँ पे gpedit.msc का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है या यहाँ पे ओपन नहीं होता है, तो उसके रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा अगर इस तरह का कुछ प्रॉब्लम होता है। तो आपको यहाँ पे इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन करना है। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे विंडोज़ कंपोनेंट्स वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको इसे डाउनवर्ड की और आपको यहाँ पे इसे स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या है, यहाँ पे आपको विंडोज़ इंस्टॉलर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको टर्न ऑफ विंडोज़ इंस्टॉलर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। और अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपके यहाँ पे हो सकता है आपके यहाँ पे ये डिसेबल्ड होगा या इनेबल्ड ही होगा, तो आपको यहाँ पे नॉट कॉन्फ़िगर्ड पे आपको यहाँ पे चेक मार्क आपको इसे कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके करना है और आपको इसे कट कर देना है। और आपको यहाँ पे वन टाइम या टू टाइम आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ पे रिफ्रेश करना है और एक बार आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को रीस्टार्ट भी कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम आपके यहाँ पे परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे दो तीन फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।